ठीक है, द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ, ठीक है, पॉइंटर क्या होगा, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, इसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्या स्टोर होगा, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मतलब जब भी हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल को एक मेमोरी मिलती है, क्या मिलती है, मेमोरी मिलती है, ठीक है, तो जो मेमोरी उसको मिलेगी उसका वो एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हर सिस्टम का अलग अलग टाइप की एड्रेसिंग स्कीम होती है, ठीक है। अगर पॉइंटर का एक प्रोग्राम बनाओगे, उसको अलग अलग कंप्यूटर पर रन करोगे, तो अलग अलग टाइप का आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। दिस वेरिएबल कैन बी टाइप ऑफ इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। हम लोग पॉइंटर जो है वो किसी भी टाइप का बना सकते हैं, हम लोग इंट का बना सकते हैं, फ्लोट बना सकते हैं, कैर बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का हम लोग पॉइंटर बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर, हाउ एवर इन 32-bit आर्किटेक्चर द साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 byte, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज होता है पॉइंटर का, साइज मतलब वो कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जनरली अगर 32-bit मशीन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कितना बाइट लेता है, 2 byte लेगा। अगर 64-bit मशीन यूज करते हैं तो वो 4 byte लेगा, आया समझ में, ये समझ में आता है क्या, 32-bit आर्किटेक्चर और 64-bit आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया इंट एन, ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल के सामने में एक एस्ट्रिक लगा देना होता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर, क्या यूज करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो M% लगाया है हमने, वो क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ पे वेरिएबल नेम, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ एन, ठीक है, एड्रेस ऑफ एन किस में स्टोर हो जाएगा, पॉइंटर P में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर P में अब एड्रेस ऑफ एन स्टोर है, उसको कभी भी ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ठीक है, उसके अंदर 10 है, 100 है, 50 है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये उसका घर जानता है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं वो नहीं जानता, कौन सी वैल्यू है वो नहीं जानता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका एड्रेस जानता है, आया समझ में, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, सिंपल जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, बस डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगा देते हैं, ठीक है, प्रमोशन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एक स्टार मिल गया उसको, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर ना करके एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम लोग जितने भी डेटा टाइप यूज करते हैं, वो चाहे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पॉइंटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, अगर मैंने इंटीजर का पॉइंटर बनाया, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर पाएगा, ठीक है। फ्लोट का अगर मैंने पॉइंटर बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वेरिएबल का ही वो एड्रेस स्टोर कर पाएगा। अगर मैंने कैरेक्टर का पॉइंटर बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर पाएगा। अगर मैंने स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का ही एड्रेस स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब ये डेटा टाइप स्पेसिफिक होता है, जो अपने ही डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है।
आया समझ में इतना? ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ये मैंने एक नंबर ले लिया जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, छोटा सा एक वेरिएबल हमने बनाया, उसको 50 से इनिशियलाइज किया, ठीक है, और एक पॉइंटर पी है। ठीक है, अब देखो इस नंबर के अंदर क्या स्टोर है, 50 स्टोर है। इसका एड्रेस क्या है, 4FF4, ठीक है, ये एड्रेस है इसका। अब इस पॉइंटर पी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इस नंबर का एड्रेस स्टोर है, ठीक है, और इस पॉइंटर का खुद का भी एक एड्रेस होगा, क्योंकि वो भी तो एक मेमोरी ले रहा है, वो भी स्टोर करेगा ना, तो स्टोर करेगा तो उसके पास भी एक मेमोरी होगी, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है, हर मेमोरी का एक एड्रेस होगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एस्ट्रिक लगाते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है, वाइवा में पूछा जाता है, मार्जिन वगैरह में लिख लो ऐसा एस्ट्रिक करके, इन डायरेक्शन ऑपरेटर। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं एग्जांपल पे, ठीक है, यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया, इसके अंदर एक नंबर नाम का मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ 50 से इनिशियलाइज कर दिया, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया पी, ठीक है, ये क्या है पॉइंटर, क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने पी को इनिशियलाइज किया एड्रेस ऑफ नंबर से, ठीक है, एड्रेस ऑफ नंबर मतलब इस नंबर का एड्रेस किस में अब स्टोर हो जाएगा, पॉइंटर पी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लगाया और एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल इज परसेंट एक्स मैंने यहाँ पे लिखा और पी की वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक है, किसकी वैल्यू प्रिंट किया, पी की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, और यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एक्स जो हेक्साडेसिमल को सपोर्ट करता है, किसको, हेक्साडेसिमल, ठीक है। नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम में तीन टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, एक डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 के कॉम्बिनेशन पे नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्टल में 0 से लेके 7 के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनाया जाता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 के कॉम्बिनेशन पे नंबर बनाया जाता है, मतलब उसका बेस क्या रहता है, 16 होता है, ठीक है। नंबर्स तो हम लोग के पास 0 से लेके 9 तक अवेलेबल है, अगर वो 10 को रिप्रेजेंट करना है तो ए से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, ठीक है, 10 के लिए होगा ए, 11 के लिए होगा बी, 12 के लिए होगा सी, 13 के लिए होगा डी, और उसके बाद 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे जो हमने एड्रेस लिया है, जब भी कोई भी एड्रेस यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा वो हेक्साडेसिमल में ही होगा, किस में होगा, हेक्साडेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे परसेंट एक्स यूज करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल एक्स यूज कर रहे तो स्मॉल में एड्रेस रिटर्न करेगा, अगर हम लोग कैपिटल एक्स लिखेंगे तो ये सारे को कैपिटल में कर देगा, ठीक है, एड्रेसिंग दोनों तरीके से होती है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया है पी, किसको प्रिंट किया है, पी को प्रिंट किया है। अब जब भी हम लोग इस पी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाया है, तो एड्रेस प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ एस्ट्रिक नहीं लगाया, एस्ट्रिक लगाया क्या यहाँ पे, नहीं लगाया, तो क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्रिंटर, वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल इज परसेंट डी, और यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक के साथ लगाया पी, मतलब पॉइंटर पी, इन डायरेक्शन ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जब भी हम लोग इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो डायरेक्टली इस वैल्यू को पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, वैल्यू को, मतलब वो इस एड्रेस पे जाएगा, नंबर के एड्रेस पे, और इस वैल्यू को वो पॉइंट करेगा,
ठीक है, किसको पॉइंट करेगा, वैल्यू को पॉइंट करेगा। अगर मैंने इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं लगाया तो किसको पॉइंट करेगा, एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये दो चीज को अच्छे से समझ जाओ और याद रखो अच्छे से। ठीक है, अगर मैंने एस्ट्रिक लगाया तो वैल्यू को पॉइंट करेगा, अगर मैंने नहीं लगाया तो एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, आया समझ में इतना, क्लियर? तो अगर इसके आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट कुछ हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा, एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल इज FFF4, एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल इज FFF4 और वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल इज 50। ठीक है, समझ में आया, लिखो इसको। ठीक है, जैसा नॉर्मल वेरिएबल का हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं वैसे यहाँ पे हम लोग एरे का भी एक एड्रेस हम लोग पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एरे बनाए इंटीजर टाइप का और उसमें 10 एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, साइज क्या है इसका, 10 है। ठीक है, ARR नाम का एक हमने एरे क्रिएट किया, उसका साइज है 10। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर पी ऑफ साइज 10। 10 एलिमेंट है तो मतलब 10 एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग को स्पेस भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंटर को हम लोग एरे बना सकते हैं, मीन्स हम लोग पॉइंटर टू एरे, मतलब एक एरे को हम लोग पॉइंटर से पॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, उस 10 एलिमेंट के 10 एड्रेस स्टोर होंगे। ठीक है, आया समझ में? तो हम लोग इस टाइप को पॉइंटर को भी एरे टाइप में हम लोग बना सकते हैं और यहाँ पे क्या स्टोर कर सकते हैं, इस एरे का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, M%ARR। आया समझ में? वेरिएबल पी ऑफ टाइप पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एरे। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद आता है पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा void show int, ये हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो शो जो यहाँ पे फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, उसको भी मेमोरी मिलेगी। ठीक है, अब बोलोगे कि वो तो वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है, कोई डेटा टाइप यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उसको मेमोरी मिल कैसे रही है। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल कहाँ पे किया जाता है, किसी भी फंक्शन के अंदर पे, ठीक है, या तो मेन फंक्शन के अंदर पे या फिर दूसरे कोई फंक्शन के अंदर पे, जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो उसको मेमोरी असाइन की जाएगी। क्यों मेमोरी असाइन की जाएगी, हो सकता है उसके अंदर कोई पैरामीटर दिया गया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है उसके अंदर कोई लोकल वेरिएबल दिया गया हो। ठीक है, तो वो सारे वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिलेगी, जब फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। ठीक है, फंक्शन को अगर मेमोरी नहीं मिलेगी तो वो अपने वेरिएबल्स को कहां से वो मेमोरी देगा और अपने जो भी उसके अंदर लाइंस ऑफ कोड हम लोग लिखे हैं उसका कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई एक फंक्शन कॉल होता है तो उसको भी एक मेमोरी एलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को फंक्शन को पॉइंट कराना है तो उसके लिए पॉइंटर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट। इंट कौन सा है, ये वाला इंट है। ठीक है, वो लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको टाइप कास्ट करेंगे, इसको हम लोग इंट से कन्वर्ट कर रहे हैं पॉइंटर में। किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन के समय पे रिटर्न टाइप लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले रिटर्न टाइप आएगा और उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर आएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंट। ठीक है, आया समझ में? इस सिंटेक्स को ऐसा समझो कि यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिखा है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम लिखा है और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट दिया है। ठीक है, यही होता है एक्चुअल सिंटेक्स फंक्शन का। ठीक है, हम लोग अगर पॉइंटर बनाएंगे इस फंक्शन के लिए तो कैसा बनाएंगे, सेम रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना है, बस ये जो फंक्शन नेम है उसके जगह पे हम लोग पॉइंटर का नेम देंगे। क्या देंगे, पॉइंटर का नेम, लेकिन हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर में देंगे। किसके अंदर देंगे, ब्रैकेट के अंदर में देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे होगा वो हम लोग यहाँ पे एज इट इज छाप देंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इस इंटीजर को पॉइंटर में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, पॉइंटर टाइप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और वहां पे वो उस फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा।
जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल के लिए लिखते हैं एम परसेंट डिस्प्ले, यहां पे आएगा शो, ठीक है, आया समझ में? तो शो का क्या करेगा, वो एड्रेस को इस पॉइंटर पी में स्टोर कर देगा, जो कि एक फंक्शन टाइप का है। किस टाइप का है? फंक्शन टाइप का, ठीक है। मैंने अभी 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 बताया था इंटीजर टाइप का, अगर वेरिएबल होगा तो इंटीजर टाइप को पॉइंटर लगेगा, ठीक है। फ्लोट टाइप का होगा तो फ्लोट टाइप को पॉइंटर लगेगा, ठीक है। सेम वैसे अगर फंक्शन का एड्रेस स्टोर करना है तो हम लोग को फंक्शन टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन टाइप का ही पॉइंटर बनाया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट एसटी बनाया, इसके अंदर दो मेंबर मैंने लिया, इंट आई और फ्लोट एफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आर ई एफ नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो ये किसका वेरिएबल है? इस एस टी नाम के स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है, इसके अंदर दो मेंबर अवेलेबल होंगे, ठीक है, आई और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे पॉइंटर भी स्ट्रक्चर टाइप का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस टाइप का बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर टाइप का। अब हमारे पास यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल है एसटी, स्ट्रक्ट एसटी। तो हम लोग इसका पॉइंटर कैसे बनाएंगे? लिखेंगे स्ट्रक्ट एसटी, ये हमारा डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका हमने एक पॉइंटर बनाया पी, और इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया? एम परसेंट आर ई एफ हम लोग ने स्टोर कर दिया, मतलब एड्रेस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो, अगर हम लोग को नॉर्मल वेरिएबल बनाना है किसी भी स्ट्रक्चर का तो कैसे बनाते हैं? ऐसे लिखते हैं स्ट्रक्ट एस टी, और यहाँ पे मान लो पी, पी नाम का एक मैंने नॉर्मल वेरिएबल बना लिया। अगर मुझे पॉइंटर बनाना है इसको तो क्या करूंगा? एस्ट्रिक लगा देंगे। अब क्या स्टोर करेगा ये? एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? आर ई एफ का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये किस टाइप का है? स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग को वैसा ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा, उसी टाइप को बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वो स्ट्रक्चर का एड्रेस को स्टोर कर पाएगा। अगर हमने वहां इंटीजर का बना दिया तो स्टोर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटीजर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। वो इंटीजर जो है उसके लिए भी पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया जिससे वो सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे तो हम लोग को पॉइंटर भी स्ट्रक्चर टाइप का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? इसको भी नोट करो।